हेलो एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अजीत का दूसरा दिन नहीं, रात हो गई है। दिन में तो ब्लॉग नहीं कंटिन्यू हो पाया था, तो अब रात में कंटिन्यू किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सामान लेने कुछ जाना है हमें, तो सामान लेते हैं। फिर आज रात में हमें जाना है लखनऊ, तो लखनऊ फिर जाना है और तुरंत एक काम है, वो काम करके तुरंत वापस आना है। तो ब्लॉग में आपको आज के ही ब्लॉग में आगे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तो इसमें हमारे ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है भाई साहब का, हमारे अभी तक इनके ब्लूटूथ हो गया भाई कनेक्ट। तो हम लोग रुके थे ब्लूटूथ कनेक्ट करने, अभी हम जा रहे हैं किसी काम से, फिर आएंगे रात में 12-1 बजे निकलेंगे लखनऊ। फिर सुबह हमें ख्याल से 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। मतलब जाना है, बस एक काम है वो करना है और तुरंत हमें आना है। तो जैसा भी होगा ब्लॉग आपको उसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं हम, अपना जिस सामान लेने जा रहे हैं वो सामान लेते हैं, बाकी फिर आते हैं। तो वहाँ चल के आप लोगों को ब्लॉग में आगे दिखाते हैं। महफिल ढाबा पे जो सामान पैक कराना था वो करा लिए हैं भाई। कुछ ज़्यादा ही भीड़ है आज, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से लेके वहाँ जाए हर जगह चलते हैं। तो आइसक्रीम खाते हैं, अभी हम लोग आएगा आइसक्रीम खाने। हमारा कुछ पार्सल ये है, कुछ पार्सल वहाँ रखा है, बाकी चलते हैं घर की तरफ। ड्राइवर हमारा हो गया चेंज, सुबह मौजा मामा देखेंगे। भाई तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो हमारे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं मैच, अभी थोड़ा चलते हैं हम भी बच्चों में कुछ अपनी कलाकारी दिखाते हैं। देख चलिए हमारी बैठ तो नहीं, कहाँ डेड बॉल हो गई, बेईमानी करते हुए बच्चे। अरे हम सलगुआ चीटिंग नहीं, एकदम मेरी। हम चलते हैं बाइकिंग करने, खेलना तो हमें आता नहीं लेकिन चलते हैं, टाइम पास करते हैं। देखते हैं वो हमसे हमारा बॉलर, इनके तो आप जानते ही होंगे। हम मुझको ही मत मार देना, ये वीडियो में नहीं काहे तो एकदम चीटिंग है। पहली बॉल हम खाते हुए, दूसरी गेंद के लिए अंपायर भाई राइट आर्म ओवर द विकेट। डेड बॉल फेंक दी, डेड बॉल, डेड बॉल जो इसे दे दे। खौफ देखिए, खौफ क्योंकि मिट्टी पे गिरी। स्पिन फेंको, इसमें धूम क्या फेंक रहे हो, अभी मार दूंगा कहीं। असद भाई ये पिच बनवा बताइए भाई, नहीं खेल रहे लोग, खेल रहे हैं। तो असद भाई सुन रहे, असद भाई की टीम को मैं ओवरटेक करने वाला हूं। अच्छा बैट देख सकते हैं टूटा है। पूरा विराट की कोहली की तरह खेलते हैं ये, छक्का मार रहे हैं चौके वाले मैच में। बताइए हम लोग का बोर्ड थोड़ा सा कमजोर है, इसके लिए लकड़ी है, स्टंप नहीं है। वाइड बॉल डर गए एक ही शॉट के बाद। देखिए आपने अपने लगे हमसल, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमसल? हमसल इंडिया छुट्टी है, पूरी फुल लगा फिर फेंको, उसके हाफ अंडर आर्म के पिच पे तुम बीच बीच के मारो तो कोई भी तेज फेंक देगा। तो जैसा कर टीम को कमिटी कुछ फंडिंग आनी चाहे तो बाहर से आ सकती है, हम असद भाई और असमर भी भेज सकते हैं। चलो और कोई भेजना चाहता तो भेज दीजिएगा।
फकर भाई दे सकते हैं भाई भाई। हमारे उमर भाई को ऊपर चढ़े हुए हैं, क्या करने चढ़े हुए हैं उमर भाई आप ऊपर, क्या करने चढ़े हुए हैं आप उमर भाई, तो बताएंगे चोर 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 ए असद 11 वालों को टीम की किट पहनाओ पहले। क्या हुआ राजू भाई, आप तो असद 11 में थे, कहाँ से आप आ गए, आप तो असद 11 में थे कहाँ से आ गए बताइए। अयान भाई की काफी बेहतरीन बॉलिंग, ये हमारे अज्जद भाई बॉल लेके तैयार, और देखिए इमाद भाई अपना चेहरा दिखाइए जरा, ये देखिए हमारे इमाद भाई फील्डिंग करते हुए, और पिछले हमारे इमाद भाई बैटिंग में कितना रन बनाया आप, 6 रन बनाए कितनी गेंद पे, अपनी फील्डिंग सेट करते हुए देखिए, हाँ देखिए देखिए हमारी टीम के सबसे बेहतरीन मेंबर और सबसे खास मेंबर है, ठीक है देखिए, देखिए आप नई टीम के प्लेयर से मार करते हुए लोग, देखिए एक नए प्लेयर आए पर ये एकदम गड्ढा है, सबसे गड्ढा प्लेयर है, सबसे गड्ढा प्लेयर दुकान है, देखिए यही है सबसे गड्ढा प्लेयर, देखिए पहली गेंद हमारे प्लेयर सब पकड़ते हुए, देखिए मैच में मार होती हुई हुज्जत तगड़ी हुई है, इमान भाई आप बताएंगे किस चीज को लेके हुज्जत हुई है, अच्छा नो बॉल को लेके उज्जत हुई है, अच्छा ये देखिए आउट हो गया, मार हो गई बहुत फर्जा आउट है, नहीं यहाँ मत आओ हम आउट ऑफ सर्विस है, लड़ो मार दे मार दे, हम कत्तो बेईमानी, गाड़ी की खुशी है हमारी गाड़ी की हाल है, हम निकल चुके हैं लखनऊ के लिए, गाड़ी जो कि काफ़ी गंदी हुई हुई है,
FM Infratech and Construction. I am missing that. बाकी जब तेल भराते हैं चलते हैं लखनऊ, भरवाते हैं तेल चलते हैं लखनऊ, फिर सुबह वापसी। तो हम लोग जा रहे थे लखनऊ, सुबह का बज रहा है 4:30, हमें 5:30 तक पहुंचना है और अभी बचा है 122 किलोमीटर। तो देखते हैं मतलब भाई 100 मतलब 10-15 मिनट लेट से ही क्या करना है, जल्दी बहुत ज़्यादा। फिर तुरंत हमें वापसी जाना है, चचा आ रहे हैं उनको लिवाना है, लिवा के फिर तुरंत वापसी 9:30 तक का हमारा टारगेट है कि अभी क्या नाम है हम निकलेंगे वापस, मतलब 9:30 तक का टारगेट है कि घर पहुँच जाएंगे। अभी लखनऊ पहुँच के हमें अपनी वरना भी उठानी है, तो वरना उठाएंगे फिर भागेंगे तुरंत उनको लिवाने, क्योंकि उन लोग ज़्यादा लोग हैं, सामान भी ज़्यादा है, तो दो गाड़ी से काम नहीं, एक गाड़ी से काम नहीं हो पाएगा, तो दो गाड़ी लेंगे। हम लोग सुल्तानपुर क्रॉस कर गए हैं, चलते हैं। अपने हमारे एस्पर भाई गाड़ी चला रहे हैं एकदम बेहतरीन, अभी तो नींद नहीं आ रही है, हम तो सोचे एक नींद सो लेते हैं, लेकिन फिर ड्राइवर के बगल में सोना भी बेहतर नहीं और नींद भी नहीं आ रही, नींद आती तो सो भी जाते हैं पर नींद भी नहीं आ रही है। तो चलते हैं अब अगला, मतलब जो वीडियो आपको देखने, मतलब इसी में जो आपको आगे देखने को मिलेगा वो अब आपको लखनऊ का मिलेगा। इतना मामला है, अभी हम लोग लखनऊ पहुँचे नहीं हैं, अभी है 70 किलोमीटर। तो यहाँ हो रही है बारिश, बहुत तेज़ तो नहीं हो रही है पर बारिश हो रही है, तेज़ हो रही है। ऐसे हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था कि बारिश हो रही है, तो उस वजह से चलते हैं। बाकी आगे का ब्लॉग आप लोगों को, आगे जो ब्लॉग चलते हैं वो हम लखनऊ में कंटिन्यू करेंगे, वरना उठाते हैं फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो हम रुके थे हवा का टायर का प्रेशर चेक करने, बारिश थोड़ा सा रुक गई है, इधर हो गया ठीक है। तो चलते हैं वापसी, मतलब आगे बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। हमने तो अपनी वरना उठा ली थी, फिर अपनी वरना हमारी थोड़ा सा असल में कुछ उसमें बैटरी की दिक्कत आ रही है, वो थोड़ा सा बार बार मतलब पता नहीं क्यों वो बंद हो जा रही है। तो हम अब भाई की शादी है, उसमें इस टाइम तो कहा हमें सुबह सुबह कहाँ गाड़ी बनेगी, अभी रास्ते में भी कुछ दिक्कत होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने अपने मतलब दोस्त को वो गाड़ी दे दी है, वो बैटरी अपनी सही करा लेगा। बाकी क्या नाम है, हम लोग हमने उसकी वरना ले ली थी जो हमारे साथ ही इसने खरीदी थी, फिर उसका बस ये है कि ये थोड़ा सा टॉप मॉडल है, हमारी इससे नीचे वाली थी, तो वो बोला लेके चले जाओ, शादी भी है तो हमारी टॉप मॉडल है, हमारी मतलब हमारी टॉप मॉडल, उसमें काम भी तुम्हारा हो जाएगा, बाकी तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगी। हम कहे चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वरना वो भी वरना क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अब हम चलते हैं स्टेशन की तरफ, हमें ऑलरेडी लेट हो गया है, बाकी चलते हैं स्टेशन लिवाते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अभी एक बैक फ्यूल इंडिकेटर पे नज़र गई तो गाड़ी रिजर्व में है, तो हमने सोचा पहले तेल डला लेना बेहतरी है, क्योंकि फिर कहाँ ही रुकेंगे, फिर सीधा घर चलेंगे, क्योंकि हमें तेल तो डलवाना ही था, तो अभी डलवा के पहले तो हमने पॉलिटेक्निक की तरफ गाड़ी घुमा ली थी। अब हम मतलब मैं जा रहा हूँ पॉलिटेक्निक, मतलब टंकी पे बस ऑलमोस्ट आ ही गया हूँ, तो अब टंकी पे इसमें फ्यूलिंग डलाते हैं, फ्यूलिंग कराते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो हम फ्यूलिंग कराने रुके थे चारबाग के पास, पॉलिटेक्निक पे तो हमें मिला नहीं, तो हम चारबाग पे आ गए थे फ्यूलिंग कराने। बाकी भाई थकन अच्छी खासी है, लेकिन क्या है बस लेके तुरंत निकलेंगे घर, बाकी चलते हैं घर, देखते थे तो आप जो भी है कभी चलते, पहले चारबाग को देखते हैं, लोग आ गए आ तो गए हैं, बस देखते हैं क्या ब्लॉग बनाने टाइम मिलता है नहीं मिलता है, फिर आपसे रास्ते में गुफ्तगू करते हैं या फिर घर चल के सीधा ब्लॉग एंड करेंगे, जैसा भी था आपको दिखाते हैं। तो मैं आ गया था घर, अब चलता हूँ सोने। एक दिन में नहीं नहीं 300 किलोमीटर ड्राइव किया गया, एक दिन में क्या 6 या 7 घंटे में, तो वॉकअप काफ़ी थक गया, अब चलते हैं सोने। होप सो आप लोगों ने ब्लॉग को इंजॉय किया होगा, अगर इंजॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।